और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी हैं इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से FIR दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले, इसके अधिकार की बात यह विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ही ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है, इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे।